अगर आपका मशरक बैंक का अकाउंट है और आप लोग उसका अकाउंट नंबर चेक करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट का अकाउंट नंबर क्या है आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं और आई नंबर कैसे चेक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स अक्सर उकत मेरे वीडियोस के अंदर लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि भाई ये हमारे अकाउंट का आई हमको कहाँ से मिलेगा तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपने आपके जो अकाउंट है मशरक का उसका पूरी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी आपका अकाउंट का स्टेटस क्या है उसके बाद आपका अकाउंट जो है किस टाइप का है करंट है या सेविंग है उसके बाद आपको बताऊंगा कि अकाउंट नंबर कहाँ से मिलेगा आपको उसके बाद आई नंबर कहाँ से मिलेगा पूरी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो को हम लोग लास्ट तक देखते हैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करना वीडियो के तरफ जाने से पहले सब तो यू से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे डिस्क्रिप्शन में, में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है जिसके ऊपर मैं जॉब वैसे वीडियो अपलोड करता हूँ तो लाजमी से जाकर मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करना है एक हज़ार में वहां पर कंप्लीट करना है तो जल्दी से जाकर आप मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है कश्मीरी जॉब्स वो चैनल भी आप लोगों ने जाकर सब्सक्राइब करना है तो फ्रेंड्स चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चेक करते हैं कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं हमारे मशर बैंक की डिटेल्स तो फ्रेंड्स हम लोग मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं सबसे पहले आपने करना है कि आपने अपनी मशरक बैंक की जो एप्लीकेशन है इसको लॉग करके ओपन कर लेना है जैसे आप लोग एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ आपका यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आएगा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट डिटेल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट की पूरी डिटेल मिल जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट टाइप आपका अकाउंट कौन सा है करंट है या सेविंग है वो यहाँ पर आ जाएगा करेंसी कौन सी है उसके बाद स्टेटस क्या है एक्टिवेट है या इनएक्टिवेट है उसके बाद किस डेट को आपने अकाउंट ओपन किया था उसके बाद रिलेशनशिप आ जाता है उसके बाद अकाउंट नंबर आ जाता है उसके बाद लास्ट पे आपको आपका आईबीएन नंबर मिल जाता है अब जो भी आप लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं या किसी बंदे से पैसे मंगवाना चाहते हैं तो आप ये डिटेल उसके साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पर शेयर योर अकाउंट डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके अगले बंदे को आपने व्हाट्सअप पे या जिधर भी आपने भेजनी है उसको भेज सकते हैं तो इस तरह आसानी के साथ आप लोग अपने अकाउंट की डिटेल वगैरह चेक कर सकते मिल करूँगा ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़